it's your chance to be ruthless. Hyundai Venue N-Line 2022 में लॉन्च हुई है और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में आती है, रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 12 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की कीमत है 13,30,000 रुपीस। और ये टॉप मॉडल N8 आप देख रहे हैं। स्टैंडर्ड वेन्यू की प्राइस शुरू होती है 7,50,000 रुपीस से। स्पोर्टी और फन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए वेन्यू के N-Line वेरिएंट को बनाया गया है। वह ट्यून्ड एग्जॉस्ट साउंड और ट्यून्ड सस्पेंशन है, 34% ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स है। QXI कोड नेम है जनरेशन वेन्यू का। इंडिया, साउथ कोरिया और ताइवान में असेंबली होती है वेन्यू की। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी Hyundai देती है वेन्यू N-Line पे रोड साइड असिस्टेंस के साथ। सेंशुअस स्पोर्टीनेस डिज़ाइन फिलॉसफी है। इसे चैन ही ली, डक ह्यून हुआंग और गु ली ने मिलकर डिज़ाइन किया है। Hyundai किया के K2 प्लेटफॉर्म पर बनी है वेन्यू, जिसपे i20, वरना, क्रेटा, अल्कजार, किया सेल्टॉस, कारेंस और सोनेट भी बने हैं। रेड हाईलाइट्स, आगे पीछे स्किड प्लेट्स मिलेंगे और ये डार्क क्रोम ग्रिल, Hyundai का लोगो, N-Line एम्बलम और ये हैं ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कॉर्नरिंग लैम्प, LED DRL और पोजिशनिंग लैम्प के साथ, टर्न इंडिकेटर, बोनेट पे डिज़ाइन, वाइपर्स और ये डैश कैम, सनरूफ, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड आउटसाइड मिरर्स हैं, वेलकम फंक्शन और टर्न इंडिकेटर के साथ, N-Line एम्बलम। ये हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, अलॉयस के बीच में N लोगो है। ये पोलर वाइट कलर आप देख रहे हैं, ग्रे और ब्लू कलर का भी ऑप्शन है। डुअल टोन में ब्लैक रूफ कलर का ही ऑप्शन मिलेगा। आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे कॉइल स्प्रिंग के साथ कपल्ड टॉर्जियन बीम एक्सेल मिलेंगे। की रिमोट से आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। 3 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। पीछे लाइट दी गई है, रियर सेंसर्स हैं, स्किड प्लेट, ट्विन टिप मफलर, ये टो हुक, वेन्यू की बैजिंग Hyundai का लोगो, कनेक्टिंग LED टेल लैम्प, रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर, स्पॉइलर, रियर कैमरा। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 311 लीटर की बूट स्पेस, काफ़ी स्पेस है, लाइट दी गई है और ये 15 इंच का स्टील स्पेयर व्हील और टूल किट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर डोर पे नीचे बॉटल होल्डर है, स्पीकर है, रेड स्टिचिंग, थोड़ी स्पेस, पावर विंडो का बटन, और ये है ब्लैक लेदरी अपहोल्स्ट्री रेड इंसर्ट्स के साथ। 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स हैं, आगे पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, लेदर ईट फिनिश, आर्मरेस्ट पे 2 ग्लास होल्डर, पार्सल ट्रे, सनरूफ, पैसेंजर सीट के पीछे पॉकेट मिलेगी, 2 USB पोर्ट, 2 AC वेंट, रह सकता है डैशबोर्ड, टिल्ट स्टेयरिंग है, रेड एम्बियंट लाइटिंग है, रीडिंग लाइट, हैंडल बार, सिक्सटी-फोर्टी स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं। आइए ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन पावर विंडो मिलेगी जैम प्रोटेक्शन के साथ, रेड स्टिचिंग, थोड़ी स्पेस, पावर विंडो के कंट्रोल, डोर लॉक एंड लॉक करने का बटन, ORVM के कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन।
और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। फोर वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, हाइट एडजस्टेबल है ड्राइवर सीट, रेड स्टिचिंग, एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं, मोटर ड्रिवन पावर स्टेयरिंग है, मेटल पेडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, लाइट के कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मैनुअल हैंड ब्रेक, दो ग्लास होल्डर, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के अंदर काफ़ी स्पेस, ये ड्राइव मोड सेलेक्टर, और ये है 7-speed डुअल क्लच DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेदर ईट गियर नॉब है एंड लोगो है, वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का पोर्ट, दो USB पोर्ट, और ये है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC डिजिटल डिस्प्ले के साथ। और ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, नेविगेशन, मैप के बटन्स, और ये है 8-inch का HD इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा ब्लू लिंक, रीजनल लैंग्वेज, नेचर की एम्बियंट साउंड्स, ओवर द एयर अपडेट्स, एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस रिकॉग्निशन, ब्लूटूथ, USB, नेविगेशन, FM और रेडियो, ब्लूटूथ, USB वीडियो, ये साउंड्स ऑफ नेचर, और ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, और ये रियर कैमरा डिस्प्ले, यहाँ ऊपर थोड़ी स्पेस, कूल्ड ग्लो बॉक्स, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर, इमरजेंसी SOS, रोड साइड असिस्टेंस और ब्लू लिंक बटन्स, और ये है डुअल कैमरा वाला डैश कैम, 2.2-inch LCD डिस्प्ले और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ। इसमें 64GB स्टोरेज है, ये फोटो, टाइम लैप्स और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आगे पीछे कैमरा है जो कार की इनसाइड और फ्रंट एरिया को रिकॉर्ड करेगा। ये इंटीरियर कैमरा है, इसके आगे भी एक कैमरा है। ये सेटिंग्स, रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं, रीडिंग लाइट्स, और ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, और ये है 3-spoke लेदर ईट स्टेयरिंग, एन लोगो, ये फोन वॉल्यूम इंफोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल, ह्यूंडई का लोगो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, और ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पैडल शिफ्टर्स, और ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ, जो दिखाएगा फ्यूल लेवल, आउटसाइड टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीड, RPM, एवरेज, रेंज, कंपास, टायर प्रेशर और कई इन्फॉर्मेशन। ये ड्राइव मोड, स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 1000cc इनलाइन 3-सिलेंडर Hyundai Kapa 2 टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, 118 हॉर्स पावर है, 172 Nm टॉर्क है और 18 का एवरेज मिलेगा 45 लीटर के फ्यूल टैंक से। यही Kapa 2 इंजन वरना i20, किया सोनेट और रियो में भी यूज होता है। 118 हॉर्स पावर, तो कैसे लगी आपको वेन्यू एनलाइन हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।
नंबर।